जी पानी बंद कराइए, अभी दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा आराम से कर जाएगा, अभी बंद कराइएगा इसको, थोड़ा आराम से कीजिएगा, ठीक है ना। पानी वाला
ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये बैजनाथ कच्छप जो डल्टनगंज से लेके आए हुए हैं और पूरा अपने मंडली अपने पूरा सरना समाज के सरना प्रेमियों को साथ लेके आए हुए हैं और बेहतरीन तरीका से काम कर रहे हैं। ये युवा लड़का है अभी जवान है और ये अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए अपना संस्कृति का भी हिफाजत के लिए आगे आ रहे हैं और बहुत संख्या में ला रहे हैं और इसके साथ साथ में पहाड़ लोग भी और महिलाएं भी सहयोग मदद कर रही है। आज हम सभी लोगों को जानना और मानना और समझना होगा, समझ विकसित करना होगा कि हमारा जो पूर्वजों को बताए हुए रास्ता है, पूर्वजों को बताए हुए मार्ग है, पूर्वजों को बनाए हुए सदा और सत्य और पवित्र हमारा जो रास्ता है उस रास्ते पर हम सभी लोगों को चलना है, हम सभी लोगों को उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होगा। आज हम लोग क्या है कि अपना जो पूर्वजों के रास्ता को जो बनाया उस बनाए हुए रास्ते को हम लोग भूल गए या छोड़ दिए या अन्य तरफ हम लोग अपना मुख मोड़ लिए, इसीलिए आज बहुत सारे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रही है, बहुत सारे दुख पीड़ा हो रहा है और हम लोग छीन छीन हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। हम लोग आज एक तरह से कहा जाए तो हमारे जो नेतृत्वकर्ता कहीं न कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग हम लोग एक राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक हित के लिए ही काम हम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, पर हम लोग अपने धर्म का जो काम करने के लिए हम सभी लोगों को चाहिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में भी हो, किसी जगह पर हो, चाहे वो छोटे बड़े किसी भी जगह पर हो, सभी लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ में राजनीतिकरण हमको नहीं करना है। अगर राजनीतिक करना भी है तो हमारे समाज की एक एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, एक एक व्यक्ति जो धर्म कंडो जो दिखा रहा हूँ ये धर्म कंडों में ही धर्म इसी कंडों में बैठ के हमारे चाला माँ और धर्म बाबा बैठ के यहाँ से धर्म का संदेश बताते थे और धर्म का और न्याय का जो अच्छा था उसके उसको यहीं से बताते थे या यहाँ से धर्म का विस्तार करते थे, धर्म की राह को हमेशा बताते थे। तो आज हम यहाँ पर आने के बाद हमको एक ऐसा जानना चाहिए कि जो साइड साइड में जो पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर में जो यहाँ पर आते थे उनको बैठाते थे और उसको एक ऐसा मार्ग बताने का प्रयास करते थे जो कि सत्य और धर्म के मार्ग जो बताया है उस मार्ग पर चलने की बात ही किया जाता था। तो आइए हम सारे मिलके हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो लोगों के अंदर में भी अपना स्वार्थ और अपना हित और अपना वोट बैंक बनाने के स्थान पर हम लोग को एक धर्म की राह पर, सत्य की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको आगे बढ़ते रहना होगा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आज हमें किसी व्यक्ति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी लोगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें शरणा माँ या शरणा की ओर हमको जाना है। अब हम लोग शरणा से तो मुख मोड़ लिए, शरणा में हम लोग जाते नहीं, शरणा में हमको जाने के लिए डर लगता है, शरणा में जाने के लिए हमको एक अपमान महसूस करते हैं, शरणा में जाना मतलब एक तरह से कह दीजिए कि बहुत ही सही सोच नहीं होता है। इसलिए हमको जानना होगा और मानना होगा, विश्वास करना होगा कि सरना की ओर हमको आगे बढ़ाना होगा और सरना की तरफ भागना है। किसी व्यक्ति की पूजा या किसी व्यक्ति की इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर सम्मान करना है, पर हमको इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि हमको सत्य की राह पर चलने के लिए सरना की ओर हमको और सरना की तरफ भागना है। उसी को हमको एक तरह से देखा जाए अपने जीवन का एक गुरु बनाना है और उसी गुरु को हमको मानना है कि प्राकृतिक में कैसे रहना चाहिए और प्राकृतिक का एक एक चीज़ हमारा गुरु है, उसी गुरु को हमको मानते हुए समझाने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं आज हमारे समाज आगे नहीं बढ़ने का ये भी एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लोग राजनीतिक में अपने ही तरफ अपने फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं और हमारे पूरा समाज ही एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक में त्रस हो गया है, त्रस मतलब राजनीतिक में ही हम लोग एक तरह से फंस चुके हैं।
तो किसी को खिला पिला के, किसी को पैसा दे के, किसी को धन दे के, मतलब जहाँ तक जितना भी हो सके हमारे समाज से या अपने धर्म से दूर करने के लिए हर संभव उपयोग किया गया, हर संभव हमें इस तरह से करा दिया गया है कि हम आपस में ही लड़ते रहें, आपस में ही भिड़ते रहें, आपस में ही गाली गलौज करते रहें, आपस में ही हम एक दूसरे को निश्चिता दिखाते रहेंगे, मतलब थप्पड़ भी हम ही खाएंगे और थप्पड़ मारने वाला भी हमारे ही लोग होंगे। इस तरह से हमारे साथ में बहुत छल हुआ है, बहुत कपट हुआ है, इसीलिए मैं सरना समाज के जितने भी सिरसीता में आ रहे हैं उनको सभी को यही संदेश देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का बताया हुआ प्रेम का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, जो कि एकदम ऐसा सत्य है जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाला है, अनंत काल से जियो त्यो रहने वाला, उसी धर्म इसकी पूजा करते हैं जो कि सब कुछ बनाया, आकाश पताल जल थल पेड़ पौधा, मतलब जितना भी निराकार आकार सब कुछ बनाने वाला सुपर पावर धर्मेश है, उसी धर्मेश का हम लोग पूजा पाठ विनती भजन और प्रार्थना करते हैं, उसका पूजा पाठ करना मतलब सभी का पूजा पाठ हो जाता है और उसके शक्ति के आगे किसी का शक्ति नहीं चलता है, और उसी जो सुपर पावर धर्मेश का जो शक्ति है उसी शक्ति से ही भी अन्य शक्तियाँ जो चलती है, जैसे डायन विषाही ओझा मति गुनी गानी या जितने भी जो शक्ति है, चाहे राजनीतिक शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति है, सब उन्हीं के शक्ति से ही संचालित होता है। इसीलिए आज हम सभी को बताने की ज़रूरत है, हम सभी को जानने की ज़रूरत है, हमको सरना की तरफ भागना है, सरना की तरफ हमको शरण होना है और किसी व्यक्ति के पीछे नहीं। हम लोग को अपना जो सिरसीता नाले है, इस सिरसीता नाले की तरफ हमको जाना है, वहाँ पर हमको जाना है, वहाँ पर हम जाएंगे और अपने पूर्वजों को बताए हुए राग को जानेंगे और उसके पीछे हमको प्यार करना है, उनके जो बताए हुए रास्ते पर हमको चलने की आवश्यकता है। तो हमें डेली हमारे वहाँ पर शादी विवाह हो, डेली इसी तरह से पूजा हो, प्रार्थना हो, विनती हो, लगातार आदमी लोग जाते रहेंगे, वहाँ का जो अच्छाई है उस अच्छाई को हमको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, एक अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं। हम लोग चर्चाएँ के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, पर माहौल से बनाएंगे। मैं लगातार यही कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर अच्छा माहौल हो, सिरसीता में बहुत सारे अच्छा माहौल है। अभी हमारे बहुत सारे YouTube देख के बहुत सारे लोग आ रहे हैं प्रेरित होके और मुझे धन्यवाद भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें मतलब अपना विचार को भी दे रहे हैं, हम दादा किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे समाज में अब जितने भी लोग हैं आज ठकने ठुकने के काम किए हैं तो किससे विश्वास किया जाए। हमारे जो आज प्रार्थना सभा वगैरह चल रहा है इसमें भी काफ़ी खंड खंड हो चुके हैं, या रांची साइड में या और अभी अन्य जगह पर इसमें भी खंड खंड हमको लोग ऐसा लग रहा है, खंड खंड तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग को एक ध्यान रखना है कि हमको सरना की तरफ भागना है, हमें क्या करना है, सरना की तरफ शरण होना है, हमारे जो पूर्वजों का जो सिरसीता नाले है उसके तरफ भागना है, उसके बाद में हमको आगे बढ़ने के बाद में हमें इस तरह से हमें एक अच्छा माहौल बनाते हुए हमको अपना जो रोहतासगढ़ का किला है वहाँ पर भी हमें इसी तरह से विनती भजन प्रार्थना और साथ साथ में वहाँ भी शादी वगैरह हो, विवाह वगैरह हो, आज हम लोग घर घर में शादी विवाह तो कराते हैं लेकिन वहाँ पर भी हमको बहुत सारे हाड़िया दारू पी पा के उल्टा सीधा खाने पीने के लिए लाइक लोग आते नहीं हैं, बेलाइक हमारा जो समाज हो गया, मतवार समाज हो गया, शराब समाज हो गया, इस चीज़ को छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है। शादी ब्याह भी हम लोग को अपने सरना में, शादी ब्याह भी हमें अपना सिरसीता नाले में, शादी ब्याह भी हमारे शक्तिकुटा मुड़मा जिसे बहुत सारे शक्तिकुटा है वहाँ पर कीजिए, अपने गांव-गांव में सरना है और अपने अपने आसपास में भी कुछ शक्ति स्थल है वहाँ पर कीजिए। हमें इसी तरह से माहौल हमें रोहतासगढ़ का किला में भी बनाना की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम लोग को लगातार जाते रहेंगे, वहाँ पर भी हमारा जो किला है उसका सुंदरता रहेगा, वहाँ पर भी हमारा जगह ज़मीन जो है वो भी सुरक्षित रहेंगे, तो हम सारे सुरक्षित होते जाएंगे। इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, आज अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने विवेक से सभी लोग अपना
अपने इतिहास को हम बता रहे हैं, सुना रहे हैं, कह रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम विभिन्नताओं में भी कैसे हमारे अंदर में एक एकता होगा, एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे को मदद कर पाएँ, ऐसे हमें अपने अंदर विचार डालना होगा। अभी मैं देख रहा हूँ सतसरना डहर का जो मैं गया था अभी, उसमें भी मैं देखा वहाँ पर भी बहुत स्मूथ तरीके से पूजा पाठ प्रार्थना हुआ। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सही और अच्छा मार्ग पर ले जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और राज्य पड़ा प्रार्थना सभा और हमारे केंद्रीय सरना समिति जो रांची है या इस प्रदेश में भी या बहुत सारे लोग हैं, वो भी अपना भाषा को बचाने के लिए, रीति रिवाज को बचाने के लिए और भी अन्य तरह से जो है वो लगातार हर जगह पर काम कर रहे हैं। हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी, एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरा खुश हुई है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अगला आदमी खुश मतलब कर रहा है, तो हमें खुशी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला आदमी कर रहा है उसको देख के हम दुख हुए। आज इसमें भी हम लोग फंसे हुए कि मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरा ही मतलब जय जयकार होना चाहिए, और जो मैं करूँगा वही सही है, दूसरा कर रहा है गलत कर रहा है, या दूसरा जो कर रहा है उसका नाम हो रहा है। इस प्रकार से चिड़चिड़ा स्वभाव और इस प्रकार से जो हमारे एक दूसरे के मारने पीटने या धक्का धुक्का या किसी तरह से गाली गलौज या एक दूसरे को नीचता डाउन करने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारा प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है। प्राकृतिक तो ये है कि हम सारे लोग अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के केवल और केवल सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। मैं इसीलिए मेरा वीडियो आप देखते हैं उसमें यही दिखा हुआ कि जो गोल सर्कल है चाला माँ है और चाला माँ के ऊपर धर्मेश है, मतलब हम लोग चाला माँ को पकड़ना है। चाला माँ को पकड़ के हम लोग सबसे मेन चीज़ है धर्मेश है, और धर्मेश के ही शक्ति से जीव जंतु पेड़ पौधा भूत प्रेत देवी देवता या अन्य जो शक्तियाँ हैं वो संचालित होता है। इसीलिए हमारा समाज को एकत्रित और संगठित करने के लिए इस सब का हमको पूजा करना तो है, इनका इज्जत करना है, मान सम्मान करना है, लेकिन ये इनका जो शक्ति है वो भी धर्मेश की शक्ति से ही चलता है। इस चीज़ को हमको कतई नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे अंदर में जो प्राण चल रहा है वो भी मतलब धर्मेश की शक्ति से ही चल रहा है। तो धर्मेश क्या है? शून्य है, और शून्य की स्थिति में रहकर वो हर जगह बिना भेदभाव के सब कुछ आदेश, उनके धर्मेश के आदेश के अनुसार सब कुछ, हवा अपने चल रही है, पानी चल रहा है, धूप चल रहा है, और पेड़ पौधा ऑक्सीजन दे रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, इसी तरह से हो रहा है। तो ये सिरसीता नाले से एक महान संदेश और महान ज्ञान और महान हमको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है, ताकि हम आध्यात्मिक करते रहें और धन दौलत भी कमाएं, तो हमारे अंदर में बरकत के साथ में दुआएं के साथ आना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमें बहुत सारे पैसा वगैरह धन दौलत कमा रहे हैं, वो धन दौलत में पवित्रता नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसलिए आ तो रहा है, अमीर तो हो रहे हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ है, बहुत सारे मतलब मकान भी ऊँचे ऊँचे हैं, पर वो दुआएँ के साथ नहीं, बाकी अन्याय के साथ में है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग फुटकल साग खाके, कोयनार साग खाके, चाकोड़ साग खा करके और डुबू खा के, गुंदली खा के भी हम लोग बहुत ईमानदार और शुद्ध और पवित्र थे हमारे पूर्वज, लेकिन आज हम लोग का अंदर में एक तरह से जो शराब आया, ये शराब हमारे समाज में बहुत ही खराब है। और ये खराब शराब सबसे बड़ा खराब ये है कि हमारे अंदर में एक धर्म की राह पर चलने के लिए एक अंकुरित बीज जो पनपता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान के अंदर में एक धर्म और न्याय और सत्य मार्ग पर चलने के लिए एक बीज रोपा जाता है, उसी को सड़ा देता है ये शराब, उसी को गला देता है। इसलिए ये शराब बनाने वाला आज देखा जाए तो सबसे बड़ा डायन और विषय वही है, शराब बनाने वाला और शराब बेचने वाला, यह हमारे समाज का डायन है, विषय है। इन्हीं लोगों को हम लोग को समझाने और बताने की ज़रूरत है। अब यही नुकसान कर रहे हैं, यही गलत कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं के पीछे जा रहे हैं, इनको अच्छा कह रहे हैं, और इस प्रकार से जो लोग हैं वो उसी लोगों को अच्छा कहते हैं जो कि नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सरना में जो आ रहे हैं, सिरसीता में आ रहे हैं, या हमारे रोहतासगढ़ वगैरह में जा रहे हैं, धार्मिक स्थान में जा रहे हैं, उन सभी सज्जनों से, उन सभी भाई बहनों से, वो हमें जो मान सम्मान और इज्जत करते हैं, धर्म के राह पर चलने वाले सभी को ज्ञात होना चाहिए।
चाहिए सभी को एक इस प्रकार से मार्ग तैयार करना चाहिए ताकि शराब से मुक्त समाज हो, शराब से दूर रहे, क्यों शराब से बहुत सारे नुकसान है उसको सभी लोग जान रहे हैं। सभी लोग आपस में चर्चाएँ करते हैं कि हमारे समाज को शराब छोड़ दिया या हमारे समाज को आज तोड़ दिया, हमारे समाज को आज खंड खंड कर दिया और हम सभी लोग छोटे बड़े सारे लोग खाने पीने में ही मस्त रहे। पर खाना पीना ही हमारा जीवन नहीं है, खाना पीना तो एक जानवर की मापिक हो गया, तो हम लोग जानवर नहीं, हम लोग सभी लोग एक इंसान है। इंसानियत की गुण हमारे अंदर होना चाहिए और सत्य और सही मार्ग जानना होगा। सत्य क्या है, धर्मेश ही है, और बाकी जितने भी है सभी से हमको घृणा नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, सभी लोग को इज्जत करना है, सभी धर्मों को इज्जत करना है और हमें सभी लोगों को प्रेम भरा व्यवहार करना है। प्रेम तो केवल और केवल धर्मेश से करना है। और एक बार मैं बता देना चाहूँगा, प्रेम तो प्रेम केवल और केवल हृदय से तन से मन से विचार से केवल और केवल धर्मेश से ही प्रेम करें। धर्मेश से प्रेम करोगे, चाला से प्रेम करोगे, ककड़ोलाता से प्रेम करोगे और अपना डबनी चुहा से करोगे प्रेम, तो कभी धोखा नहीं खाओगे, धोखा नहीं मिलेगा और लोगों के पीछे भागोगे कि ये अगवा सही है, ये अगवा सही है, इसके पीछे चलना चाहिए, तो वो गुटबाजी होता है। तो गुटबाजी करने से क्या है कि एक तरह से राजनीतिक बैंक हो जाता है, वोट बैंक हो जाता है। इसीलिए हमको किसी व्यक्ति के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना जो धार्मिक स्थल है और धार्मिक जगह पर आके हमको वहाँ उसके पीछे हमको भागना है और सभी लोगों की इज्जत करना है, मान सम्मान करना है, पर धर्मेश से प्यार करना है और बाकी सभी से हमको प्रेम भरा व्यवहार करना है। फिर एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि धर्मेश से प्यार करना है, दिल लगाना है धर्मेश से और पूरा हमको भाव से तन मन से हम लोग को धर्मेश में ही लगना है और बाकी संसार के सारे जीव जंतु पेड़ पौधा मन्ने मास या जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, सभी से मधुर व्यवहार करना है, व्यवहार अच्छा रखना है, ऊँच स्तरीय व्यवहार रखना, घटिया टाइप का नहीं रखना। इस बात का भी हमको इज्जत, इस बात का भी हमको ख्याल रखना चाहिए। ये संदेश कैसा लगा ज़रूर आप अपने कॉमेंट्स के माध्यम से बताना। जय धर्मेश।